चलो दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की बंद चिट्ठी। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेटा रघुवीर, अब मैं बचूंगा नहीं, ऐसा न कहे पिताजी महाराज, भगवान ने चाहा तो आप बहुत ही शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा यम के दूत मेरी ओर बढ़े चले आ रहे हैं और तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। पिताजी महाराज, बेटा मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। बोलो क्या तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? आप अपनी इच्छा बताइए पिताजी महाराज। बेटे जीवन भर मैं अपनी प्रजा के बीच रहा हूँ, चाहता हूँ कि मेरे प्राण भी प्रजा के बीच ही निकले। तुम मुझे महल के बाहर प्रजा के बीच ले चलो, मैं अपनी प्रजा को अंतिम प्रणाम कर सदा के लिए चैन की नींद सो जाना चाहता हूँ। बस यही है मेरी अंतिम इच्छा। आपकी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा पिताजी महाराज। और फिर मेरे प्रजाजनों, जीवन की अंतिम बेला में मैं आपको अंतिम प्रणाम करता हूँ। यह सुन उदयनगर की प्रजा की आंखों में आंसू भर आए। प्रधानमंत्री वामदेव जी, आपको एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ मैं। आज्ञा दीजिए महाराज। प्रधानमंत्री जी, मेरे बाद युवराज रघुवीर इस राज्य का राजा बनेंगे, इस राज्य का राजा बनेगा, वादा कीजिए। मेरे बाद आपकी छत्र छाया रघुवीर के ऊपर सदैव बनी रहेगी, मैं इस बात का वादा करता हूँ महाराज। अब राजा उद्धवीर ने रघुवीर से कहा, रघुवीर राजा बनने के पश्चात जो भी फैसले करो प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेने के बाद ही करना, इन्हें पिता के समान ही मानना, कभी भी इनका निरादर न करना। वामदेव जी बहुत ही बुद्धिमान व देश भगत हैं, मेरे बाद पारिवारिक राजनीतिक सामाजिक सभी फैसलों के बारे में तुम्हें वामदेव जी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना है, यह मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है पिताजी महाराज। और फिर हे राम हिच, पिताजी महाराज, महाराज महाराज, इसकी लेते ही राजा उद्धवीर के प्राण बखेरे उड़ गए। गुहू युवराज सभा को संभालिए, रघुवीर को उदयनगर का राजा बनाया गया। राजा रघुवीर प्रधानमंत्री वामदेव से सलाह मशवरा कर सुचारू रूप से राजकाज का कार्य चलाने लगा। उदयपुर राज्य में ही माणिकदत्त नाम का एक सेठ रहता था। मित्र माणिकदत्त, तुम्हारी पुत्री अश्वरा तो बहुत ही रूपवती है, इसका विवाह तो तुम्हें किसी राजा महाराजा के साथ ही करना चाहिए। इच्छा तो मेरे मन में भी बार बार ऐसी ही उठती है मित्र, मोती सेठ पर कोई राजा भला एक सेठ की बेटी के साथ ब्याह करने को क्यों तैयार हो जाएगा? इस बारे में कोशिश करने में क्या अर्ज है, अपने महाराज भी विवाह योग्य हैं, उनके साथ ही अश्वरा के विवाह की बात चलाकर देखो ना। ठीक है, मैं कल ही महाराज से इस विषय में बात करूंगा। अगले दिन ही कहिए सेठ माणिकदत्त जी, कैसे आना हुआ? महाराज एक आशा लेकर आपके पास आया हूँ, कुछ कहिए तो सही सेठ माणिकदत्त जी। महाराज मेरी बेटी ऐश्वर्या विवाह योग्य है, वह अत्यंत सुशील और रूपवती है, मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह आपके साथ हो जाए। वो तो यह बात है जी महाराज, उस पर सोचने के बाद। ठीक है सेठ जी, प्रधानमंत्री वामदेव जी को एक बार अपनी पुत्री दिखा दीजिए, मैं उनकी राय का आदर करता हूँ। अगर उन्हें आपकी पुत्री पसंद आ गई तो मैं सैर साहब की पुत्री के साथ विवाह करने को तैयार हो जाऊंगा, जैसी महाराज की आज्ञा। अगले दिन ही राजा रघुवीर के कहने पर प्रधानमंत्री वामदेव सेठ माणिकदत्त की पुत्री अश्वरा को देखने उनकी हवेली में जा पहुंचे। वो सेठ माणिकदत्त की पुत्री तो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात कर रही है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी को महाराज के लिए ऐश्वर्या पसंद आ गई है। यदि अश्वरा का विवाह राजा रघुवीर से हो गया तो ऐश्वर्या के रूप जाल में फंसकर राजा रघुवीर सब कुछ भूल बैठेंगे, ऐसा होने पर शासन में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और तब शत्रु इस बात का नाजायज फायदा उठाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में मुझे इस विवाह को नहीं होने देना है, यह सोच सेठ जी मैं महल में जाकर महाराज को अपने निर्णय से अवगत कराता हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री जी, कुछ कहिए तो सही सेठ माणिकदत्त जी। महाराज मेरी बेटी ऐश्वर्या विवाह योग्य, जब प्रधानमंत्री वामदेव राजमहल पहुंचे, कहिए प्रधानमंत्री जी सेठ माणिकदत्त की पुत्री आपको कैसी लगी? क्षमा करें महाराज, सेठ माणिकदत्त की कन्या आपके योग्य नहीं है, वह तो एकदम कुरूप है। हो तब सेठ माणिकदत्त यह प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए ही क्यों थे? इसी असमंजस में मैं भी हूँ महाराज। राजा रघुवीर ने उसी समय एक दूत को पत्र देकर सेठ माणिकदत्त के पास भेजा।
सेठ माणिक दत्त, हमें खेद है कि हम तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर पाएंगे। राजा रघुवीर, आखिर क्यों महाराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया? प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कौन सी कमी देखी ऐश्वर्या में? राजा रघुवीर की ओर से निराश होकर एक दिन सेठ माणिक दत्त ने उदयपुर के सेनापति सुरसेन को ऐश्वर्या दिखाई। मुझे ऐश्वर्या पसंद है सेठ माणिक दत्त जी। शुभ मुहूर्त में सेनापति सुरसेन के साथ ऐश्वर्या का विवाह हो गया। सेनापति सुरसेन में ऐसी कौन सी कमी थी जो सेठ की क्रूर पुत्री के साथ विवाह करने को तैयार हो गए? भगवान का शुक्र है ऐश्वर्या इस देश के राजा की पत्नी न बनी, न सही, पर इस देश के सेनापति की पत्नी तो बनी गई। यही क्या कम बड़ी बात है मेरे लिए? विवाह उपरांत दिए गए भोज में जब राजा रघुवीर ने ऐश्वर्या को देखा, वो सेठ जी, यही आपकी पुत्री है? जी महाराज, पर हमें तो बताया गया था कि तुम्हारी पुत्री कुरूप है, क्या वह कुरूप कोई दूसरी पुत्री है? नहीं महाराज, मेरी तो बस यही एक बेटी है, मैंने इसी के लिए आपसे विनय की थी। प्रधानमंत्री रामदेव जी ने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? वह बुझे मन से महल में वापस लौटा। प्रधानमंत्री जी को इस बात की सजा देकर ही रहूंगा, उनके झूठ के कारण ही मैं ऐश्वर्या को न पा सका। नहीं रघुवीर, यह गलत होगा। तो अपने पिता को वचन दे चुका है कि प्रधानमंत्री वामदेव को मैं पिता के समान मानूंगा और कभी भी उनका निरादर नहीं करूंगा। वामदेव जी अनुभवी व्यक्ति हैं, ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने जो भी मुझे बताया था अवश्य ही उसमें कुछ सार होगा, कुछ राज होगा। दिन बीते पर राजा रघुवीर के मन से ऐश्वर्या न निकल सके। काश ऐश्वर्या से हमारा विवाह हो पाता। दूसरी ओर पिताजी समझ नहीं आता महाराज इन दिनों परेशान क्यों है। दरबार में भी उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है, इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज की उदासी का कारण मैं जानता हूँ बेटा सुरसेन। आप जानते हैं? हाँ बेटा, उनकी उदासी का कारण है तुम्हारी पत्नी ऐश्वर्या। यह आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ बेटा जो सच है। ऐश्वर्या का तुमसे विवाह करने से पहले मैं ऐश्वर्या का प्रस्ताव महाराज के पास लेकर गया था, तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव को ऐश्वर्या को देखने मेरे यहाँ भेजा था। माणिक दत्त ने विस्तार पूर्वक सुरसेन को सारी बात बताई। तत्पश्चात पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी ने ऐश्वर्या को प्रूफ बताया, फलस्वरूप महाराज ने ऐश्वर्या से विवाह करने से इनकार कर दिया। ओ, लेकिन विवाह भोज में जब उन्होंने ऐश्वर्या को देखा तो ऐश्वर्या का सौंदर्य देख ठगे से रह गए। मुझे यकीन ही नहीं, पक्का विश्वास है कि इन दिनों महाराज के मन में एक ही विचार बार बार उमड़ घुमड़ रहा है, और वह विचार यह है कि काश उनका विवाह ऐश्वर्या से हो पाता। ऐश्वर्या बेटी के अतुलित सौंदर्य ने उन पर प्रभाव डाला है। वो यह तो बहुत ही बुरा हुआ, महाराज के कंधों पर पूरे राज्य का भार है। यदि वे इसी परेशानी में डूबे रहे तो पथ से भटक सकते हैं, तब इस राज्य का क्या होगा? बेटा होनी को कौन टाल सकता है? महाराज वह इस राज्य के भाग्य में जो लिखा है वह तो हर हालत में होकर रहेगा। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं उस होनी को बदल कर रहूंगा। दूसरी ओर राजा रघुवीर ऐश्वर्या को लेकर ही इन दिनों परेशान है। कोई बात नहीं, बीतते समय के साथ ऐश्वर्या उनके ख्यालों से निकल जाएगी। अगले दिन सेनापति सुरसेन राजा रघुवीर से मिला। महाराज मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन अनजाने में ही मुझसे ये भूल हुई है। सेनापति जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप और अपराधी, आपसे कौन सी भूल हो गई है? महाराज मेरे ससुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप इन दिनों ऐश्वर्या को लेकर परेशानी में डूबे हुए हैं, मैं आपकी वही परेशानी दूर करने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज ऐश्वर्या आपको पसंद है, यदि आप चाहें तो अब भी उसे अपना सकते हैं। सेनापति जी, यह आप क्या कह रहे हैं? महाराज मैं ठीक ही कह रहा हूँ, यदि देश का राजा दुखी रहेगा तो प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? मैं यदि आपके लिए ऐश्वर्या की कुर्बानी कर सका तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। वो तुम्हारी बात ने तो हमें और ज्यादा परेशानी में डाल दिया सेनापति जी। ठीक है, इस समय तुम जाओ, हम सोच विचार करने के पश्चात ही इस विषय में कोई निर्णय लेंगे। जो आज्ञा महाराज। सुरसेन के जाने के पश्चात सेनापति ने यह कैसा प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है, क्या यह उचित प्रस्ताव है? वाक सोचने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हमें इस विषय में प्रधानमंत्री से सलाह करनी चाहिए, वे ही कोई उचित सलाह दे सकते हैं। उसने उसी समय जाकर प्रधानमंत्री रामदेव को सारी बात बताई। वो सेनापति जी ने आपके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा? आप प्रधानमंत्री जी, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें, सेनापति जी का प्रस्ताव माने या न माने। महाराज मैं आपको इस विषय पर तभी सलाह दे सकता हूँ
जब आप उस पर अमल करने का वचन दे, मैं वचन देता हूँ, तब सुनिए। प्रधानमंत्री वामदेव राजा रघुवीर को समझाने लगा। प्रधानमंत्री वामदेव की सलाह सुनने के पश्चात, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रधानमंत्री के पास से लौटकर राजा रघुवीर ने सेनापति सुरसेन के नाम एक पत्र लिखा। तत्पश्चात, इस पत्र को इसी समय सेनापति जी को दे आओ। दूत ने जब वह पत्र सुरसेन को लाकर दिया, सेनापति सुरसेन, हमारा आदेश है कि तुम इसी समय सप्तनिक उदयपुर छोड़कर चले जाओ। आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी फिर कभी उदयपुर में नजर न आए। राजा रघुवीर उदयपुर। सेठ महाराज से कहना, उनका आदेश मेरे सिर माथे पर। सेठ माणिकदत्त ने जब माणिकदत्त को जब इस विषय में पता चला, यह कैसा आदेश दे डाला महाराज ने, वह दौड़ा दौड़ा राजा रघुवीर के पास गया। महाराज, मैंने सदा इस राज्य की सेवा की है, मेरी बेटी व दामाद को ऐसा दंड न दीजिए। देश से निकलकर मेरे बेटी दामाद कहाँ जाएंगे महाराज? तुम उसकी फिक्र न करो सेठ माणिकदत्त, परंतु राजाज्ञा अब वापिस नहीं होगी। उसी दिन ऐश्वर्या के साथ सुरसेन ने उदयपुर छोड़ दिया। उधर महल में, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपकी सलाह के अनुसार सुरसेन को इतना कठोर दंड दे तो दिया है, पर मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आपने सुरसेन के लिए इतने कठोर दंड का चुनाव क्यों किया। परेशान आप महाराज, आप परेशान न हो, मैंने जो कुछ भी किया है आपके और राजा के भले के लिए ही किया है। इधर जब उदयपुर से दूर सुरसेन और ऐश्वर्या एक वन में पहुंचे, चुपचाप हमारे साथ चलो, इस समय मैं नेता हूँ, इसलिए इन सैनिकों की बात मान लेने में ही भलाई है। सो सिगरी, यह तो प्रीतम नगर है। सिगरी, सुरसेन जी, हम तुम्हें प्रीतम नगर का सेनापति नियुक्त करते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? सुरसेन जी, मुझे तुम्हारे राजा रघुवीर जी का पत्र मिला है। उन्हें पता था कि तुम समय पूर्व ही कि कुछ समय पूर्व ही हमारे सेनापति के युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब से सेनापति का पद रिक्त पड़ा हुआ है। राजा रघुवीर हमारे अभिनय मित्र स्वर्गीय राजा उदयवीर के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपना सेनापति आपके पास भेज रहा हूँ, वह बहुत वीर है, उसे यहाँ का सेनापति बना लेना। राजा रघुवीर ने तुम्हारी खूब प्रशंसा भी की है सुरसेन जी, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बनाता हूँ। वो राजा रघुवीर का यह व्यवहार मेरी समझ में तो कतई नहीं आया। तभी, सुरसेन जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब पत्र में राजा रघुवीर ने तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है, तो उन्होंने अपने यहाँ से तुम्हें सेवा मुक्त कर हमारे पास क्यों भेज दिया? क्या तुमसे कभी कोई भूल हो गई थी वहाँ? महाराज, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूँ, सारी बात जानकर आप स्वयं निर्णय लेना कि क्या मुझसे कोई भूल हुई थी। सुरसेन ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजा प्रीतम सेन को बताई। तत्पश्चात, अब आप ये बताइए महाराज, क्या मैंने कोई भूल की थी? हाँ, भूल तो तुमसे वास्तव में ही हुई थी सुरसेन जी, पर महाराज रघुवीर जी ने तुम्हें यहाँ भेजकर निस्संदेह अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ऐसी बात नहीं है महाराज, उदय नगर के प्रधानमंत्री वामदेव जी अत्यंत ही अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा रघुवीर उन्हीं से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करते हैं। संभव है कि मेरे विषय में भी उन्होंने प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेकर ही ऐसा निर्णय दिया होगा। ओ, अगर राजा रघुवीर के पास वामदेव जी जैसा योग्य व अनुभवी सलाहकार है, तो उदयपुर हमेशा उन्नति की ओर ही अग्रसर होता रहेगा। ऐसे खुशहाल देश के राजा के साथ ही हमें अपनी बेटी वरुणा का विवाह करना चाहिए। उन्होंने उसी समय एक दूत को पत्र देकर उदयपुर भेजा। दूत के उदयपुर पहुंचने पर, प्रधानमंत्री वामदेव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप कृपा शीघ्र ही हमसे आकर मिले। राजा प्रीतम सिंह। प्रधानमंत्री वामदेव उसी दिन प्रीतम नगर रवाना हो गया। उसके प्रीतम नगर पहुंचने पर, कहिए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? प्रधानमंत्री जी, हमें पता चला है कि आपकी सलाह पर ही राजा रघुवीर ने हमारे पास सेनापति सुरसेन जी को भेजा था, और हम आपकी बुद्धिमानी और वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं, इसलिए अपनी बेटी का विवाह ऐसे ही राजा के साथ करने की इच्छा पाल बैठे हैं, जिसके पास आप जैसा अनुभव मंत्री हो तो यह बात है, पर आपने कैसे जाना कि मैं विद्वान हूँ? सुरसेन जी के बारे में आपने राजा रघुवीर को जो सलाह दी, उस सलाह के बारे में जानकर ही हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं। कुछ देर सोचकर, महाराज, यह ठीक है, राजा रघुवीर मुझसे पूछकर ही कोई कार्य करते हैं, पर मेरा क्या है, बूढ़ा आदमी हूँ, मैं आज मरा कि कल मरा,
मैं चाहता हूं कि राजा रघुवीर को ऐसा सुयोग्य व बुद्धिमान जीवन संगनी मिले जो मेरे बाद राजा रघुवीर को उचित सलाह दे सके। क्या आपकी पुत्री मेरी इस कसौटी पर खरी उतरेगी? प्रधानमंत्री जी, वरुणा मेरी बेटी है, उसकी बुद्धिमता की प्रशंसा मैं स्वयं कैसे करूं? तब ठीक है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं वरुणा बेटी की बुद्धिमानी की परीक्षा ले लूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब प्रीतम सेन उन्हें वरुणा के पास ले गए। वामदेव जी, यही है मेरी बेटी वरुणा। बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी को सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। तब वामदेव ने राजा रघुवीर सेठ माणिकदत्त सेनापति सुरसेन ऐश्वर्या और अपनी कहानी सुनाई। बेटी, तुम्हें यह बताना है कि मैंने राजा रघुवीर को ऐश्वर्या के विषय में झूठ बताया, फिर भी राजा रघुवीर ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा? सेनापति सुरसेन ने हमेशा राजा रघुवीर की सेवा की थी, वह अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी राजा रघुवीर के लिए छोड़ देने को तैयार हो गया था, फिर ऐसे सेनापति को राजा रघुवीर ने देश निकाला क्यों दिया? फिर बाद में सुरसेन को तुम्हारे राज्य में सेनापति का पद भी दिलवा दिया, यह दंड है या पुरस्कार? इसके विषय में बता सकती हो तो बताओ बेटी। प्रधानमंत्री जी, यह ठीक है कि आपने राजा रघुवीर से ऐश्वर्या के विषय में झूठ बोला हो, पर उस झूठ में भी उदयनगर की और उसकी प्रजा की भलाई ही निहित थी। वह कैसे? क्योंकि झूठ बोलते समय आप उदयनगर राजा की भलाई के विषय में ही सोच रहे थे। दूसरी ओर सेनापति सुरसेन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात कहकर राजा रघुवीर और राज्य दोनों का अहित किया। राजा रघुवीर और आप जानते थे कि सेनापति सुरसेन स्वामी भगत है, पर ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात उन्होंने गलत की थी। यदि राजा रघुवीर राजा होकर दूसरों की स्त्रियां छीनने को तैयार हो जाते तो फिर उदयपुर की जनता भी समय आने पर वैसा ही करती, इसलिए आपने राजा रघुवीर को ऐसी अनोखी सलाह दी। यदि सेनापति सुरसेन उदयपुर में ही रहता तो ऐश्वर्या की बात सदैव राजा रघुवीर के मन में रहती, इसलिए आपकी सलाह पर राजा रघुवीर ने सुरसेन और ऐश्वर्या को देश निकाले का आदेश दिया। चूंकि सुरसेन ने जो कुछ भी किया स्वामी भक्ति की भावना से ही किया था और वह देशभक्त भी था, इसलिए राजा रघुवीर ने सुरसेन के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हमारे राज्य में करवा दी। इस प्रकार सुरसेन को दंड व पुरस्कार दोनों साथ साथ ही मिले। शाबाश बेटी, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, तुम मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने राजकुमारी वरुणा को अपने महाराज के लिए चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी, यह फैसला करने से पहले आप एक सच्चाई और जान ले तो ठीक रहेगा। कैसी सच्चाई? यह सुन बेटी वरुणा, अपने चेहरे से घूंघट हटा दो। जब राजकुमारी वरुणा ने चेहरे से घूंघट हटाया, वो इसलिए राजकुमारी वरुणा ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। प्रधानमंत्री जी, मेरी बेटी सांवली है, यही वह सच्चाई है। महाराज, यह ठीक है कि बेटी वरुणा कारण सांवला है, पर बुद्धिमानी तो इसमें कूट कूट कर भरी है। यदि बुद्धिमानी के साथ साथ बेटी वरुणा रूपवती भी होती तो सोने में सुहागा होता, पर सिर्फ सांवलेपन के कारण मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। वरुणा बेटी के साथ ही महाराज रघुवीर का विवाह होगा, वो तब ठीक है, तब उचित मुहूर्त में राजा रघुवीर के साथ राजकुमारी वरुणा का विवाह हुआ। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी विवाह के पश्चात, प्रधानमंत्री जी ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मेरी पत्नी के रूप में आपने सांवली वरुणा का ही चुनाव क्यों किया? राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं समय देगा। कुछ समय पश्चात, प्रधानमंत्री जी मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल हो गया हूँ, वरुणा के रूप में आपने मेरे लिए सही जीवन साथी का चुनाव किया था। वरुणा ने समय समय पर हमें ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी है जिनसे राज्य का भलाई हुआ है। राजन, मुझे खुशी है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वामदेव और वरुणा से समय समय पर सलाह ले कर राजा रघुवीर ने उदयपुर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, जरूर लाइक सब्सक्राइब।